नाउ दिस कार इज रेडी टू गो, एकदम तैयार है जाने के लिए। हिमाचल नंबर की गाड़ी का नंबर लिया है, ये देखिए, इंडिया टू लंदन फॉर वर्ल्ड पीस, 38 कंट्रीज, 85 डेज, 24,000 किलोमीटर्स, पूरा बहुत ही नाइस स्लीक सा डिजाइन किया गया है। संजय जी जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इनको देख के बाकी सब ने भी अपना अपना वर्ड ब्लड ग्रुप जो है वो लिख लिया है। ऐसा नहीं है, वो सब अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, मेरा देख के कोई नहीं लिख रहा है। हाँ जी, अब और बताइए दर्शकों को जाने से पहले और क्या क्या आपके तैयारियां कर चुके हैं? सारा तैयारी तो ऑलमोस्ट हो गई है, वीसा सारे हो गए हैं, आपके रोड प्लानिंग हो गई है, होटल्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, उनकी बुकिंग तो ऑन द गो करेंगे हम, और सारा फूड पैकेट इसके अंदर आ गए हैं। लेकिन ना फिर इसके अंदर आपको, मेरे को सामान ज्यादा हो गया, जगह कम पड़ गई, तो फिर ये मेरे को मिस्टर श्रीनिक जैन ने ये बैग दिया है अवे। अच्छा, ये बैग हमने अभी ऊपर लगाया है, आप ये बैग देखिए, काफी अच्छा ये बैग है, तो अभी काफी सारा खाने का सामान अब मैं इस बैग में डालने वाला हूँ। अरे वाह, तो ये बैग आपका है aveindia.in। तो स्पॉन्सर नहीं मिले आपको ये बैग? उन्होंने गिफ्ट ही किया है, ये देखिए जी, ये बैग उन्होंने गिफ्ट किया है। अच्छा, हाँ जी, वेरी नाइस। तो ये बैग अभी तो अब यूज होगा, तो इस बैग की अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाएगी। अगर ये 25,000 किलोमीटर में ये बैग सरवाइव कर गया तो फिर तो इससे अच्छा कोई बैग होगा नहीं। जी जी जी। तो ये बैग की काफी बढ़िया टेस्टिंग होने वाली है। तो ये पूरे ऑल वेदर में, लो टेम्परेचर में, बारिश में, कभी ये ऊपर से उड़ी ना जाए, तो देखते हैं अब इस बैग की क्या कंडीशन है। बहुत बढ़िया रहेगा ये। देखिए जी, लेट्स स्पिन अराउंड द वर्ल्ड ऑन व्हील, एक कैप्शन के साथ आप जा रहे हैं। भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में, इतने देशों में। और ये जो फैसिलिटेट किया है ना, ये मिस्टर रोहित हैं, चेजिंग सनसेट्स, उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने प्लानिंग किया विद कोऑर्डिनेशन विद मिस्टर श्रीनिवास फ्रॉम फैल्कन ओवरलैंड्स एंड मिस्टर राजन, जो वर्ल्ड ऑन व्हील्स हैं। हाँ जी, तो ये तीन भारतीय हैं जिन्होंने इसको पूरा प्लानिंग किया है। अरे वाह, तो रोहित हैं, श्रीनिवास हैं और राजन है। वेरी नाइस जी, आप तभी जा पाते हैं जब आपके साथ कुछ अनुभवी लोग हों। हाँ, तो ये लोग कुछ पहले कर चुके हैं, इनमें से थोड़ा बहुत, तो यूट्यूबर भी कुछ जा रहे हैं आपके साथ? हाँ, मिस्टर विकास दयाल हैं जो काफी बड़े यूट्यूबर हैं, एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 के। अच्छा। तो वो तो अपनी लैंड क्रूजर लेके जा रहे हैं। वेरी नाइस, वो तो माशाल्लाह यूट्यूबर है। बहुत बढ़िया, तो एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग टीम है आपके साथ। चार बाइकर भी जा रहे हैं? हाँ, चार बाइकर भी है। तो वो चारों युवा होंगे या उनमें भी कोई सीनियर है? नहीं, वो तो युवा ही होंगे। अच्छा, 25,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं है। कौन सी मोटरसाइकिल जा रही है? अब मेरे को नहीं पता, एक सुजुकी है और कुछ है, मतलब हाई एंड है, हाई एंड मोटरसाइकिल। हाँ। चलिए जी, एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा, आप जुड़े रहिए एडवेंचर विद संजय, @AdventureWithSanjay इनका YouTube चैनल है, जिस पर आप जो भी, जहां भी, जिस देश में भी जाएंगे उसकी पूरी जानकारी, उसके बारे में आप बातचीत भी करते रहेंगे बीच में जो, और वीडियो भी बनाते रहेंगे जिसको मैं अपने माध्यम से एडिट करके। ये मेरे फ्रेंड है मिस्टर निर्मल वैद, तो मैं क्योंकि इतना वहां समय नहीं दे पाऊंगा कि एडिट करूं और इनको अपलोड करूं, तो मैं वहां से क्लिप्स रिकॉर्ड करके यहाँ इंडिया इनको भेजता रहूंगा और यही सारी मेहनत करके इसको अपलोड करेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि मुझे भी बहुत हॉबी है मेरी भी ट्रैवलिंग की, और आगे आने वाले समय में मैं भी संजय जी के साथ किसी ना किसी टूर में जरूर जाऊंगा, पहले भारत में किसी टूर में। ये जैसे आप सब जान चुके हैं ये सारे कंट्रीज हैं, इसके बारे में पूरी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक बार हम संजय जी के द्वारा, संजय जी एक बार मैप देखते हैं और उसके बारे में भी जानकारी सबको दे देते हैं। मैप यहाँ से मोटा है, लेकिन मैं आपको अगर वैसे मैप देखना है तो आप जी, इसमें जी, जी, लगा दीजिएगा। अभी एक बार मैप जो है ना, नहीं, मैप आपके द्वारा ही देखो। ये देखिए जी, ये मैप है। तो ये देखिए, जो टीम है ना वो मेनली बैंगलोर से चल रही है, दिल्ली से मैं अकेला हूँ, तो फिर यहाँ से हम नेपाल करेंगे, ये चाइना है, ये पूरा जो रूट देख रहे हैं ना ये चाइना है, यहाँ तक, ये चाइना के बाद कजाकिस्तान, फिर नीचे हम निकल जाएंगे किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर से वापस कजाकिस्तान, ये पूरा कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान भी बहुत बड़ा है। फिर यहाँ से हम ये रशिया है सारा का सारा, मॉस्को होते हुए हम पहुँच जाएंगे इस्टोनिया, फिर वहाँ से लाटविया, फिर वहाँ से बेलारूस। लेकिन बेलारूस में पता लगा है कि अभी आपको परमिशन नहीं मिलेगी अंदर जाने के लिए, तो हम बेलारूस ना होके यहाँ से पोलैंड डायरेक्ट चले जाएंगे। फिर ये सारी कंट्री से होते हुए नीचे हम ग्रीस, इटली वगैरह सब होते हुए ना, यहाँ पे ये इटली है। फिर यहाँ से हम फ्रांस आएंगे, फ्रांस से हम यूनाइटेड किंगडम जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ अगर हमको जल्दी इंग्लैंड पहुँचना होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ये सारा का सारा लूप हम खत्म कर सकते हैं और ये वाला लूप भी हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पस खाली इंग्लैंड पहुंचना नहीं है, हमारा पर्पस थोड़ा सा बीच में जितनी मैक्सिमम कंट्रीज हम कवर कर सकते हैं, जो कि जहां पे वॉर नहीं हो रहा है तो हम वो कंट्रीज भी कवर कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। नहीं तो आप ये देख रहे हैं सारा का सारा लूप यहाँ से हटाया जा सकता है, डायरेक्ट कैसे चले जाओ। जी जी जी, पर इसी बहाने आप पूरा यूरोप में घूम सकते हैं, कई देशों में जा सकते हैं। यूरोप तो ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज छोड़ के और स्पेन छोड़ के, एक स्पेन बच गया और ऊपर के फिनलैंड, नॉर्वे और वो बच गया, वो बाकी है और लगभग पूरा ये हो जाएगा। जी ये आपने रूट भी देख लिया, पर अब आप दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, आप याद रखिए एडवेंचर विद संजय, और इसके माध्यम से आप इस पूरे टूर की जानकारी, पहले भी मैंने बात की थी एक महाभारत के संजय थे, उनके द्वारा महाभारत युद्ध की पूरी जानकारी जो थी धृतराष्ट्र को मिल रही थी, और ये एक हमारे संजय अग्रवाल जी हैं जिनके द्वारा आप सबको इंडिया टू लंदन की पूरी जानकारी, आंखों देखा हाल जो है इनके माध्यम से, इनकी नजर से, इनके कैमरे से आप तक पहुंचेगी। आप सब जुड़े रहिए, मैं निर्मल रतनलाल वैद और हमारी जो जोड़ी है संजय अग्रवाल जी की, आपको इस पूरे जबरदस्त जो ट्रिप है उसके बारे में पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। आप प्रतिदिन या हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ स्टोरी इसको देखेंगे, हम शायद ये भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम कितने दिन की रिकॉर्डिंग कितने एपिसोड्स में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सबका प्रेम, आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा, और जो भी ट्रैवलर हैं, जो भी इच्छुक हैं घूमने के या कुछ भी ऐसी जगह देखने के, वो सब हमारे साथ जुड़िए और आप सबका हम स्वागत करेंगे। और वापिस आने के बाद जो भी हमारे अच्छे दर्शक हैं उनको हम कहीं इनवाइट करेंगे एक बड़े कार्यक्रम में, जिसमें पूरी टीम साथ में होगी और हम एक सेलिब्रेशन करेंगे वापसी के ऊपर, आप सबको भी इनवाइट करेंगे। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। एक लास्ट मैसेज अपना दीजिए जी। फॉर वर्ल्ड पीस, ये ट्रेवल करने का एक मिशन है कि सारे देश में, सारे विदेश में और पूरे विश्व में शांति रहे। क्या बात, जय हिंद जय भारत।